बड़ा ये मतलब इस आघात है, सदमा है। तमाम सारे लोग लाइन में थे, अभिलाषा नंदी वहां से दोबारा मेयर रही हैं, तो क्या ये निर्णय कितना मतलब क्यों ऐसा हुआ 14 में से करीब 11 मेयरों के टिकट काटे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, विचार बेस पार्टी है, और हमेशा पार्टी की ये कोशिश रहती है कि जो पहले से सांसद हैं, विधायक हैं या और दूसरे संवैधानिक पदों पर हैं, उनको किसी भी होने वाले चुनाव से अपने परिवार को दूर रखना चाहिए, ताकि ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अवसर पार्टी नहीं दे पाई है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिल सके। तो पार्टी ने कल की बैठक में यह निर्णय लिया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगणों, सांसद, विधायक गणों को कोशिश करनी चाहिए कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो सक्रिय और मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा के चुनाव की तरह, विधानसभा के चुनाव की तरह, इस नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली है, क्योंकि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को दिया, 6 साल में योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश की जनता उससे प्रभावित है। तो नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन जनता जनार्दन का मिलने वाला है। विपक्षी पार्टियां, चाहे सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, ये सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही हैं, क्योंकि इन पार्टियों की करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। सही मायनों में अपने विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर वोट लेने की कोशिश की, पिछड़े वर्गों को अपना वोट बैंक समझा, और जब भी सत्ता में आए तो सत्ता का केंद्र बिंदु उनका परिवार रहा या कुछ समाज के लोग रहे। इस नाते इस निकाय के चुनाव में सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, सभी को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का जज्बा लेकर चुनाव के मैदान में डट गई है।